break, break, break. Break, break, break is an LAC. यह एक LAC है जो कि कंपोज की गई थी A.L. Tennyson के द्वारा, Alfred Lord Tennyson के द्वारा. और Alfred Lord Tennyson ने इस LAC को लिखा था on the death of his friend author Henry Hallam. यानी कि उनके एक मित्र थे author Henry Hallam जिनकी डेथ हो गई थी और उन्हीं के ऊपर Alfred Lord Tennyson ने ये LAC लिखी थी. ये LAC जो लिखी गई थी 1835 में और ये पब्लिश हुई थी 1842 में. उनका एक ग्रेट वर्क था इन मेमोरियम. इन मेमोरियम का ही एक पार्ट है. इन मेमोरियम इनका एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वर्क था. यहाँ तक कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो भी इन मेमोरियम को पढ़ती थी. इस पोएम में 16 लाइंस हैं डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टेंस. फोर क्वार्टेंस पे ये बटी हुई है 16 लाइंस और राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी. ब्रेक ब्रेक ब्रेक. तोड़ो तोड़ो तोड़ो. ओन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. ओ समुद्र दाई तुम्हारे कोल्ड ठंडे ग्रे ग्रे कलर के स्टोन्स पत्थरों को. समुद्र वो यहाँ पर जो पोइट हैं वो समुद्र से कह रहे हैं कि समुद्र की जो धाराएं हैं उनसे जो तुम्हारे किनारे पर जो ये ठंडे और ग्रे कलर के जो स्टोन्स पड़े हैं पत्थर पड़े हैं इनको तोड़ दो. पोइट जो है वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं क्योंकि उनके जो फ्रेंड था उनकी डेथ हो चुकी है. एंड आई वुड डेट माई टंग कुड अटर. और पोइट बोलते हैं कि काश मेरी जीभ या मतलब मैं बोल पाता, मैं शब्दों में कह पाता द थॉट्स उन विचारों को डेट अराइज इन मी जो कि मेरे अंदर आ रहे हैं, यानी कि जो मेरे अंदर विचार उठ रहे हैं काश कि मैं उन्हें बोल पाता. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय. अब जो पोइट्स हैं वो अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पर एक फिशरमैन का लड़का है और एक नाविक का लड़का है, सेलर का लड़का है. तो वो उनको बोलते हैं कि कितना अच्छा है कि यह जो मछुआरे का लड़का है डैट की ही साउट्स वह चिल्ला रहा है विद हिज सिस्टर अपनी बहन के साथ एट प्ले खेल में. यानी कि वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है. वह जो फिशरमैन का लड़का है वह कितना खुश है. ओ वेल फॉर द सेलर लैड. और ऐसे ही जो ये नाविक का लड़का है ये भी बहुत खुश है डैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे जो कि गा रहा है इन हिज बोट अपनी नाव में ऑन द बे किनारे पर. यानी कि जो कि किनारे पर अपनी नाव में बैठा हुआ गाना गा रहा है ये जो सेलर का लड़का है नाविक का लड़का है ये भी कितना खुश है. तो यहाँ पर जो पोइट है वो उनसे कुछ जलसी फील कर रहे हैं क्योंकि वो सब बहुत खुश है और जो पोइट्स है वो बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उनके दोस्त की डेथ हो चुकी है. तो इस वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा जलसी भी फील कर रहे हैं इन सबसे. एंड द स्टेटली सिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. एंड द स्टेटली सिप्स बड़े बड़े जहाज गो ऑन जा रहे हैं टू देयर हेवन अपनी मंजिल की ओर अंडर द हिल पहाड़ी के नीचे. यानी कि जो बड़े बड़े जहाज हैं समुद्र में वो भी पहाड़ी के नीचे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं. बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिस्ड हैंड. अब पोइट्स बोलते हैं कि मतलब सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब खुश हैं, लेकिन पोइट क्या है वो फील कर रहे हैं, वो याद मतलब अपनी उस टच को याद कर रहे हैं ऑफ ए वैनिस्ड हैंड उस हाथ के टच को जो कि अब चला गया है. यानी कि जो अपने दोस्त का हाथ जो अपने दोस्त का हाथ था जो उनसे छूट गया है जो उनके हाथ से अब गायब हो गया है वो उसके टच को फील कर रहे हैं. एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस. और वो जो है वो याद कर रहे हैं द साउंड आवाज़ को ऑफ ए वॉइस डैट इज स्टिल उस आवाज़ को जो कि अब कभी वह नहीं सुन सकते. यानी कि अपने दोस्त की आवाज़ जो कि अब उन्हें कभी सुनाई नहीं देगी. इन सब चीज़ों को वह बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपने आसपास की चीज़ों को वो देख रहे हैं कि सब कितने खुश हैं लेकिन पोइट अकेले बहुत ज़्यादा सैड हैं. ब्रेक ब्रेक ब्रेक. तोड़ो तोड़ो तोड़ो. एट द फुट ऑफ दाई क्रेक्स ओ सी. अब वो दोबारा समुद्र से कहते हैं कि ओ सी एट द फुट ऑफ दाई क्रेक्स. ये जो चट्टाने हैं बड़ी बड़ी चट्टाने खड़ी हैं इनको अपनी धाराओं से तोड़ दो. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे डैट इज़ डेड. लेकिन जो ग्रेस था जो मतलब खुशियाँ थी ऑफ ए डे उन दिनों की डैट इज़ डेड वो अब चली गई है. विल नेवर कम बैक टू मी. और वह दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे. यानी कि जब पोइट्स अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे दोस्त के साथ जो उन्होंने अच्छा सा समय बिताया था वो अब चला गया है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा. इस बात से भी पोइट बहुत ज़्यादा सैड है.